शो बिग बॉस सीजन 13 के बाद आकांक्षा पुरी को लेकर तमाम स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। हाल ही में आकांक्षा पुरी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया है पारस छाबड़ा के साथ ब्रेकअप के बाद। जब आकांक्षा पुरी से पूछा गया कि अब वो कैसी हैं और किस तरीके से अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हैं, तो ऐसे में आकांक्षा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो मेरे लिए चीजों को मूव ऑन करना आसान हो जाए। मेरे लिए चीजों से मूव ऑन करने में काफी वक्त लगता है और मैं उन्हीं लोगों में से हूँ, और लेकिन मैं वो भी नहीं हूँ कि सभी के सामने अपनी दिल की बात को लेकर बैठूं और रोने लग जाऊं। मेरे सभी के सामने आंखों में आंसू नहीं आते हैं। जी हाँ, वो हर किसी के सामने इमोशनल नहीं होना चाहती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जजमेंटल तो लोग दोनों तरफ से होते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, लेकिन कभी मैंने दिल पर नहीं लिया है। लोगों ने मुझे पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है, वहीं मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव है और हमेशा ही मेरी फैमिली से मेरे को सपोर्ट मिला है और आज भी मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई है। वहीं जब पारस के बारे में यहाँ पर आकांक्षा से पूछा गया तो आकांक्षा यहाँ पर कहती हुई नजर आई कि इन सबके बारे में मुझे ज्यादा देर बातें नहीं करनी है। रिलेशनशिप मेरे दिल से जुड़ते हैं, ना ही उनके लिए उनकी फैमिली के लिए नेगेटिव वाइब्स हैं। जी हाँ, यहाँ पर कहती हुई नजर आई आकांक्षा कि पारस से भले ही उनका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन उनकी फैमिली से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही उन्हें कोई नेगेटिव वाइब्स आती हैं और ना ही पारस से उन्हें कोई प्रॉब्लम है। और इस तरीके से आकांक्षा पूरी अपनी लाइफ में धीरे धीरे मूव ऑन भी करना चाहती है, साथ ही साथ अपने करियर पर भी फोकस की हुई है। हमारी इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से प्रांशी की रिपोर्ट।